हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब गाइज। आज के वीडियो में जानने वाले हैं कैसे हम लोग क्विज ऐप में रेटिंग का और शेयरिंग का फीचर ऐड करते हैं, वो भी नेविगेशन आइटम क्लिक लिसनर में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा जो ऐप है क्या रियली में काम करता है या नहीं काम करता है। तो ये रहा हमारे पास, ये मेरा मोबाइल ऐप आपको दिख रहा सामने मोबाइल का स्क्रीन, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये कोना में है क्विज ऐप, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये खुल रहा प्लस स्क्रीन, उसके बाद ये हमारा ऐप खुल गया। पिछले वीडियो हमने देखा था यहाँ कि बनाया था हमने फॉलो इंस्टाग्राम का भी यूज किया था। देखिए जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा इंस्टाग्राम जो है वो खुल जाएगा, फिर यूट्यूब चैनल अगर आपके पास है या फिर फेसबुक का चैनल है तो यहाँ खुल जाएगा। फिर यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी हमने सेट किया था, वो भी ब्लॉगर द्वारा। आप यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी को अपने अनुसार लिख सकते हो या फिर इसमें टेक्स व्यू ऐड कर सकते हो। नहीं ऐड करना आता है तो यार आप कमेंट जरूर करें, इस ट्यूटोरियल के बाद आपको सिखा दिया जाएगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को यूज करते हैं, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन भी इस ऐप का मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्लिक करते हैं रेट दिस ऐप और इन्वाइट योर फ्रेंड, क्लिक किया रेट, देखिए कोई काम नहीं कर रहा, क्लिक कर रहा हूँ कोई काम नहीं कर रहा, फिर इन्वाइट पर क्लिक करता हूँ कोई काम नहीं करता है। अब इस पर काम करने से पहले मैं बैक करता हूँ और देखिए हमारे पास यहाँ जो लिखा हुआ है क्यू, जब यहाँ आइकन को भी हमको चेंज करना है, तो पहले हम आइकन को बदलते हैं, उसके बाद रेटिंग और शेयरिंग का फीचर ऐड करेंगे। तो सीधा ओपन करते हैं मैं अपना प्रोजेक्ट। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दिया, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में। प्लस में यहाँ आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये रहा प्रोजेक्ट, और देखिए यहाँ हमने रेट का और यहाँ शेयर का फीचर ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ हमारा जो दोनों सिस्टम है काम नहीं कर रहा था। अब पहले ऐड करते हैं हम लोग आइकन को कैसे सेट करते हैं अपना ऐप में। तो देखिए जाना है आपके मैनिफेस्ट में, और यहाँ दिया हुआ है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, यहाँ डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा ये सिस्टम। उसके बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ दिया हुआ आइकन अलाउ बैकअप के नीचे दिया हुआ है आइकन, तो यहाँ देखिए डिफॉल्ट में रहता है IC लॉन्चर, तो डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करना है और बैक, और जो दिया हुआ है @ मिन मैप उसको भी हटा देना है, और यहाँ डायरेक्ट लिखना है आइकन। आप जो भी लिखे होंगे आइकन, देखिए हमने आइकन का नाम आइकन लिखा तो यहाँ आइकन आ गया। उसके बाद एक जगह और चेंज करना है, यह दिया हुआ है राउंड आइकन, यहाँ भी आपको आइकन का चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको टाइप करना है आइकन। देखिए आगे आइकन यहाँ को क्लिक कर दिया, तो ये जो हमारा जो आइकन है सेट हो गया, इसको हम चेक करेंगे बाद में। अब यहाँ आते हैं डायरेक्टली अपना मेन एक्टिविटी में, जहाँ हमारा काम जो है मेन चलेगा। तो ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी, और यहाँ सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे रेटिंग का। तो रेटिंग का सेट करने पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसका कोड कौन सा कोड है, कैसे इसको सेट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि इसके अंदर हमको रेटिंग के अंदर में हमको लेना है ट्राई एंड कैच का यूज करना है, ताकि हमारा जो यूज़र है जो भी इस पर क्लिक करेगा डायरेक्टली प्ले स्टोर पर पहुंच जाएगा, अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा तो, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। तो देखिए यहाँ आपको डबल एंटर करना है और इसके अंदर में एक इंटर, और यहाँ हम टाइप करते हैं ट्राई, और यहाँ नीचे में देखिए आगे यहाँ तो यहाँ करना है कैच, ये देखिए आ गया। अब पहले क्या करते हैं ट्राइप में टाइप करने से पहले मैं टाइप करता हूँ कैच के अंदर, क्योंकि कैच में आ गया ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में, तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक्टिविटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ देखिए क्लियरली ध्यान है आपको, एक्सेप्सी एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ एंटर करना है। उसके बाद एक स्पेस और यहाँ टाइप करना है ई फॉर एलिफेंट, उसके बाद यहाँ देना है आपको ब्रैकेट दे दिया, और इसके अब हमको ब्रैकेट के अंदर में देना है कि अगर यूज़र क्लिक करता है एक्टिविटी रेटिंग पर और नहीं कुछ खुलता है तो यहाँ उसके बाद क्या खुलेगा। तो यहाँ टाइप करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, उसके बाद इसके अंदर टाइप करेंगे इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, तो एक्शन सब रहेगा कैपिटल लेटर में, तो एक्शन व्यू, तो डायरेक्टली आपको मैनुअल लिखना है एक्शन व्यू, टोटली कैपिटल में रहेगा। उसके बाद यहाँ आपको जब एक्शन व्यू हो जाएगा तो यहाँ देना है आपको कॉमा, और यहाँ एंटर करना है, क्योंकि इसके नीचे लिखना है तो आप एंटर नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ आपको मैं एंटर कर दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो लाइन है ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ आप लिखना है URI, तो
यू आर आई, देखिए मैं यू आर किस तरह लिखाऊँ, यू आर आई डॉट फ्रेज। अब इसके अंदर हमको लिखना है प्ले स्टोर का लिंक, जहाँ हमारा जो ऐप है वो कैसे खुलता है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है, यहाँ लेना है इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर लिखना है https://, डॉट हो, उसके बाद लिखना है play.google.com/store, फिर /app, फिर /, और लिखना है यहाँ डिटेल्स, और यहाँ देना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखना है आईडी, आपका जो भी आईडी रहेगा। उसके बाद यहाँ इज इक्वल टू, अब आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है और यहाँ देना है आपको एक स्पेस लेके देना है प्लस का, और उसके बाद एक स्पेस लेना है और यहाँ लिखना है गेट पैकेज नेम। देखिए नीचे आ गया गेट पैकेज नेम, और ये जो आपका जो है सिस्टम यहाँ जो है एज में कैच में बन गया। अब हमको बनाना है सीधा ऊपर ट्राई में, क्योंकि कैच का हमने बना लिया, अब आना इसके अंदर में और यहाँ हमको एक देना है एंटर, और लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ लिखना है सेम है न्यू इंटेंट, फिर यहाँ इंटेंट से पास करना है, और सेम फंडा एक्शन व्यू, फिर देना है कॉमा, फिर एंटर मारना है, और यहाँ सेम टू सेम देखिए जो हमने बनाया था नीचे, तो वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ दूसरा इसका रहेगा आईडी। तो आईडी में क्या देना है, यहाँ आपको लिखना है URI डॉट फ्रेज, यू कैपिटल में RI डॉट फ्रेज। अब इसके अंदर लिखना है क्या, लेना है इन्वर्टेड कॉमा, और इसके लिखना है मार्केट लिखना है, कॉलन लेना है / दोठो, और लिखना है डिटेल्स क्वेश्चन मार्क आईडी, और इसके बाद इज इक्वल टू, इतना लिखा गया। अब फिर से हमको इसके बाहर एक स्पेस प्लस, फिर स्पेस, और लिखना है गेट पैकेज नेम। ये देखिए हमने दोनों यहाँ सेट कर दिया, मतलब कि हमारा जो रेटिंग का है, कोई भी यूज़र अगर क्लिक करता है रेटिंग पर, तो ये जो ट्राई एंड कैच के अंदर जितना भी फंक्शन है ये उसको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपका ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश्ड है। अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पब्लिश नहीं है, तो अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। वहाँ क्या लिखने आएगा, क्या लिखा आएगा, वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, जब हम लोग इस ऐप को टेस्ट करेंगे कि क्या रियली में शेयरिंग खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो ये देखिए ये इतना हो गया। अब हमको ऊपर रहे क्या कि देखिए, अब नीचे आ गया शेयरिंग का, जब कोई भी बंदा चाहेगा कि अगर उस ऐप को शेयर करने का तो उसका कोड कैसे लिखेंगे, तो उसका भी कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँ क्लियर। तो यहाँ शेयरिंग का जो कोड है बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ शेयर पर क्लिक करता हूँ, डबल ट्रिपल एंटर, और बीच में ले आता हूँ, लिखता हूँ इंटेंट, यहाँ लिखता हूँ माई इंटेंट, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ माई इंटेंट, आपको जो मर्जी है यहाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ माई इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ देना है, यहाँ आना है इंटेंट लिखना है इसके अंदर में डॉट एक्शन सेंड, यहाँ आपको सब रहेगा कैपिटल में एक्शन सेंड, देखिए यहाँ आगे ऑटोमेटिक एक्शन सेंड क्लिक करना है, उसके बाद इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है, ये हो गया। अब इसके नीचे यहाँ देखिए, ऊपर मैंने लिया था माई इंटेंट, उसको मैं क्लिक करूँ माई इंटेंट, जो वेरिएबल था माई इंटेंट लिया, सेट टाइप, अब किस टाइप का ये जो रहेगा इसको हमको यहाँ देना, तो यहाँ सेट टाइप लिख दिया, और ये रहेगा टेक्स्ट, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में टेक्स्ट /, और ये प्लेन टेक्स्ट रहेगा, इसलिए मैं इसको पूरा टेक्स्ट को मैं क्लियरली डिफाइन करूँगा कि ये कौन सा टेक्स्ट रहेगा, तो प्लेन टेक्स्ट रहेगा, देखिए प्लेन टेक्स्ट रहेगा। अब इसको भी सेमी कॉलन से बंद कर दिया, अब उसके बाद एक एंटर, और यहाँ लेंगे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में यहाँ लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ लेता हूँ शेयर बॉडी, अब आपको जो लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शेयर बॉडी, मतलब कि जो हम लोग शेयर करेंगे वो यहाँ इसको यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे इस ऐप का नाम, इस ऐप का नाम क्या है, क्यूज ऐप, तो क्यूज ऐप,
तो ये देखिए क्यूज और ऐप, यहाँ मैं जब लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है एरर। मैं जब भी लिख रहा हूँ तो देखिए आ रहा है एरर। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको लेना है हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसीलिए आ रहा है एरर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ले लिया, और यहाँ इतना लिखने बाद इसको एक लेता हूँ कॉलन, और इसको भी लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, और यहाँ देखिए एरर हट गया। अब यहाँ हमको इस लाइन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए यहाँ डायरेक्टली रिवर्स स्लैश और एन करना है, ताकि हमारा जो लाइन है ब्रेक कर जाए, मतलब कि लाइन अलग हो जाए। उसके बाद और कुछ अगर आपको लिखना, एक क्यूज ऐप का डेमो था, लेकिन और कुछ अगर लिखना है तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ आपके लिए प्लस, और यहाँ एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ मैं फिर एक लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ यू कैन क्रिएट ऑन क्विज ऐप योरसेल्फ, ये मैं लिख दिया। उसके बाद मैं डायरेक्टली मैं इसको भी हमको लाइन ब्रेक करना है, तो स्पेस ब्लैक बैक स्लैश, और यहाँ मैं इसको ब्रेक कर दिया। अब इतना लिखने बाद आप क्या करना है, आपको डायरेक्टली और कुछ अगर लिखना है तो आप ऐड करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली मैं जोड़ने वाला हूँ नीचे, तो यहाँ क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं इसको नीचे लेता हूँ यहाँ एंड, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। अब हमको देना है URL कि हमारा जो ऐप है कैसे मिलेगा यूज़र को, कि ये हमारा ऐप कहाँ और कैसे शेयर होगा, तो उसके लिए चाहिए हमको URL। तो URL में क्या करते हैं हम लोग http://, यहाँ play.google.com/store/apps/, उसके बाद डिटेल्स, जिस तरह हमने नीचे लिखा था डिटेल्स ?id इज इक्वल टू। अब यहाँ देना है हमको क्या, कि हमारा जो ऐप का जो है ना URL, तो URL कैसे हम लोग डिफाइन करें कि URL हमको कौन सा है। ये बहुत लोगों के अंदर में रहता है, माइंड चलता है कि यार URL है कौन सा, ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता। तो URL क्या है आपको देखिए आप मालूम पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ ID तो लिख लिए, तो आप देखिए जो हमने यहाँ पैकेज नाम दिया था ऊपर में, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो देखिए ऊपर में दिया था .in/click-to-code.qz-app, ये जो है इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ यहाँ से सीधा कॉपी करता हूँ, आपके सुविधा के लिए कॉपी किया और नीचे आया फिर से, और यहाँ आपको क्या करना है इज इक्वल टू के यहाँ बिना स्पेस दिए हुए डायरेक्टली जो हमने कॉपी किया था उसको डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट कर दिया, क्यूज ऐप आ गया। अब इतना आने के बाद क्यूज ऐप आ गया, अब यहाँ कुछ और एक काम करना है, क्योंकि हमने पैकेज नाम तो दे दिया है। अब यहाँ करना है एंड, जो रहता है एंड में ए टाइप किया, उसके बाद देना है HL और इज इक्वल टू EN, और इसको डायरेक्टली सेमीकोलन से देना है क्लोज कर। तो देखिए इतना होने के बाद हमारा जो ऐप जो है ये अभी देखिए कितना आ रहा है एरर, तो एरर आएगा क्यों, एरर आने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रिंग सेट नहीं किया है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ यहाँ, और डायरेक्टली अब मैं क्लिक करता हूँ स्ट्रिंग शेयर सब, जो भी लिखना है आपको शेयर, मैं लिखता हूँ शेयर सब्जेक्ट, तो शेयर मैंने सब लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ योर ऑफ सब्जेक्ट हेयर, तो यहाँ देना है आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, और यहाँ लिखना है योर सब्जेक्ट हेयर, और इसको सेमीकोलन से क्लोज करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ हमने माई इंटेंट को ऊपर लिया था, इसी को यहाँ टाइप करना है .put extra, और यहाँ क्या देना है हमको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो .extra subject, तो यहाँ सब कैपिटल में रहेगा extra_subject, ये आ गया extra subject, और शेयर सब अभी जो मैंने बनाया था, तो इसके लिए शेयर सब भी बनाया था हमने, देखिए यहाँ ये शेयर सब ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ से सेमी कोलन दूंगा, और देखिए सेमी कोलन देने के बाद यहाँ मैं फिर से आता हूँ माय इंटेंट, जो भी एरर आएगा यार उसको सॉल्व किया जाएगा इसी वीडियो में,
तो माई इंटेंट और डॉट पुट एक्स्ट्रा फिर से, अब यहाँ देना है हमको एक्स्ट्रा टेक्स्ट, तो डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, तो यहाँ देना है। यहाँ देखिए पुट एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है कि यहाँ आपको एक काम करना है आपको, यहाँ देखिए जब यहाँ देख जब मैं देखिए ऊपर एरर नीचे क्यों आ रहा है उसका भी हमारे पास जवाब है। तो पहले क्या करता हूँ कि एक्स्ट्रा टैक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो एक्स्ट्रा अंडरस्कोर टैक्स लिख लिया और कॉमा शेयर बॉडी, तो शेयर बॉडी और इसको भी सेमी कॉलन से देता हूँ क्लोज कर। लेकिन देखिए हमारे पास दोनों पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने इसको पुट एक्स्ट्रा में इंटेंट से पास नहीं किया है। तो करना क्या डायरेक्टली आपको यहाँ कॉमा पहले इंटेंट से इसको पास करना है, यहाँ भी और इसको भी इंटेंट से यहाँ पास करना है। तो देखिए जो जो एरर था वो हट गया। अब उसके बाद हमको यहाँ देना है स्टार्ट एक्टिविटी, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी में क्या करना है हमको, यहाँ देना है इंटेंट डॉट, इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, यहाँ आपको टाइप करना है क्रिएट चूजर और उसके बाद माई इंटेंट को पास करना है पहला डॉट, फिर टाइटल को पास करना है। टाइटल क्या रहेगा, शेयर यूजिंग, तो आपको जो लिखना है, तो मैं लिखता हूँ शेयर यूजिंग, जो आप यूज कर आपको मॉल में जो भी रहेगा। तो देखिए यहाँ भी आ रहा है एरर, एरर आने का कारण क्या है कि हम लोग इसको इनवर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ लिखता हूँ शेयर यूजिंग स्पेस यूजिंग, शेयर यूजिंग हो गया। अब यहाँ से हमारा जो काम जो था एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास ऊपर में आ रहा है एरर। अब एरर यहाँ क्यों आ रहा है, देखिए ऊपर में एरर आ रहा है, आने कारण क्या है कि हमने प्लस नहीं दिया था। देखिए प्लस दिया और जो हमारा काम जो था ये हमने टोटली काम यहाँ कर लिया, हमारा जो शेयरिंग का फंडा था वो फंडा भी सही हो गया। अब हमारा जो ऐप है उस शेयरिंग के लिए रेडी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कहते हैं रीअरेंज। तो कंट्रोल अल्ट और एल, हमारा जितना कोड रहेगा यहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल डिवाइस को करता हूँ कनेक्ट। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड है और यहाँ मैं इसको डायरेक्टली रन पर क्लिक करता हूँ और वेट करते हैं जब तक हमारा जो मोबाइल डिवाइस है रन ना हो जाए और क्या रियली में हमारा शेयर ऐप और रेटिंग ऐप्स का फीचर काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है वो भी इस वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि ये बात देखना ज़रूरी है कि जो हमने कोड तैयार किया था वह क्या कोड वाकई में काम करने वाला है या फिर वैसे ही फालतू में हमने बनाया था। तो चलिए वेट करते हैं जब तक हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो रन ना हो जाए। इंस्टॉलिंग शुरू हो चुका है अपना मोबाइल डिवाइस में और आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, डायरेक्टली देखते हैं ओपन होता है या नहीं होता है। तो पहले हमारा जो मोबाइल जो है ये देखिए हमारा मोबाइल लॉन्च कर गया है स्क्रीन, ये पहले चला प्लस स्क्रीन। और हम लोग इस ऐप में सिर्फ देखेंगे दो चीज़, पहला देखेंगे पहले क्लिक करते हैं रेट दिस ऐप पर, क्लिक किया तो देखिए हमारा प्ले स्टोर पर पहुँच गया लिंक, लेकिन यहाँ बता रहा है आइटम नॉट फाउंड। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपका जो ऐप प्ले स्टोर पर रहेगा तो यह काम करेगा, दवाई नहीं काम करेगा। देखिए बता दिया क्लियरली कि आपका आइटम प्ले स्टोर पर है ही नहीं, इसीलिए ये लिख दिया। अब देखते हैं शेयरिंग का फीचर। तो शेयरिंग में क्या है कि देखिए ये जो है इनवाइट योर फ्रेंड क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आ गया शेयरिंग का। आपके मोबाइल में जो भी रहेगा व्हाट्सअप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जीमेल जिससे आपको शेयर करना है वो टोटली फीचर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप करने बाद देखिए मैं कहीं क्लिक करता हूँ, ये अगर यहाँ पे भेजता हूँ देखिए ऑटोमेटिक किसी के पास भी भेजता हूँ डायरेक्टली। मैं अगर मैं चेक करता हूँ डायरेक्टली यहाँ और इसको देखिए नीचे में यहाँ ये देखिए नीचे में यहाँ आ गया है और देखिए इस तरह का फीचर यहाँ अभी जो बनाया था हमने वो सारा आ चुका है। तो इस तरह जो हमारा जो सिस्टम है काम करता है और आपके ऐप में कोई भी यूजर इसको शेयर कर सकता है। तो यही थी छोटी सी वीडियो जो बता रहा था कि कैसे हमारा जो ऐप में शेयरिंग का और रेटिंग का फीचर चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कुछ न्यू कि कैसे बनता है हमारा होम स्क्रीन। तब तक लिख दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।